गाइस, आई एम मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ मेरे घर। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपने घर नहीं गई, मीन्स लास्ट गई थी मैं जामाई षष्ठी में। सो जामाई षष्ठी वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा। सो तब के बाद मैं नहीं गई हूँ। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं, अभी तो मैं ही जा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी जाना है सिलीगुड़ी। अभी सुबह के टाइम है, अभी 10-11 बजे है, सिलीगुड़ी उनका एक मीटिंग है। सो वो अटेंड करने जा रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं। रात को वो शायद यहाँ पे भी आ सकते हैं या फिर वहाँ पे भी जा सकता है, मुझे पता नहीं। तो मैं तो जा रही हूँ, अगर वो आज नहीं जा पाए तो कल श्योर जाएंगे। मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अपने मोबाइल से शूट कर रही हूँ। मेरे ट्राईपॉड भी आ गया है पर मैं अभी मोबाइल से शूट कर रही हूँ, मैंने कैमरा पैक कर लिया है। सो मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया है, बस ऐसे ही जा रही हूँ। ओके, और गर्मी भी पड़ गई है। सो चलिए चलते हैं घर। सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ। मैंने बिल्कुल मतलब फेस वॉश नहीं किया है, बहुत स्वेटी स्वेटी ऑयलिंग हो रही है। सो मैं आ गई हूँ घर और अभी मुझे जाना है शावर लेने, चेंज करने और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं अभी कैमरे से शूट कर रही हूँ और मैं आपको ट्राईपॉड दिखाती हूँ। सो मैंने शावर ले लिया है। सो दिस इज़ माई ट्राईपॉड, मैंने ऐसे चेक करके देखा है। सो ठीक ही है, स्टडी है। मैंने सोचा था ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ होने वाला है ये वाला, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पर फिर भी अच्छे से कैमरा होल्ड कर सकती है। सो मैं अभी कैमरे को इस ट्राईपॉड में सेट करने वाली हूँ। मैंने पहले भी सेट किया था। सो अभी मैं इसे आपको दिखाने के लिए हाथों से शूट कर रही हूँ और अभी दिखा रही हूँ। ओके, सो मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली मैंने ट्राईपॉड सेट कर लिया है और अभी इट्स रियली इजी टू होल्ड द कैमरा। एंड यहाँ पे है टिया। ओके, सो मैं अभी हूँ किचन में और अभी हमें करनी है लंच। सो मैं आपको दिखाती हूँ आज का लंच जो मेरी माँ ने बनाई है। यहाँ पे है मेरी माँ। सो आज है प्योर वेज बिकॉज टुडे इज सैटरडे। सो ये है अरहर की दाल एंड ये है मिक्स्ड सब्जी एंड दिस इज आलू पनीर की सब्जी एंड ये है आम की चटनी एंड ऑफ कोर्स चावल। सो अभी हम तीनों मिलके करेंगे लंच, क्योंकि मेरे पापा जो है वो गए हैं ऑफिस और शिरकत नहीं है। सो हम तीनों मिलकर अभी लंच करेंगे। सो गाइज, अभी है इवनिंग टाइम और एक्चुअली आफ्टर लंच भी ज़्यादा हेवी हो गया था मेरे लिए, बहुत सारा खा लिया मैंने। सो आफ्टर लंच
मैंने इतना सोया ना, मुझे लगता है मैं 1.5-2 घंटे बस सोई हूँ। कोई ध्यान नहीं था, कोई ख्याल नहीं था मुझे, बस मैं सोती गई सोती गई सोती गई और किसी ने मुझे नहीं जगाया। अभी मैं सोच रही हूँ कि रात को मुझे नींद कैसे आएगा, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद मैं ऐसे सोई हूँ। मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ बिल्कुल, पता नहीं आज क्या हो गया, इतना नींद भी आ रही थी मुझे, मैं सो गई और अभी मुझे लगता है कि रात को मुझे जगना पड़ेगा। आई डोंट नो रात को नींद आएगी कि नहीं। हे गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, मीन्स आज है संडे, और कल मैंने फिर व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि यू नो इट्स फैमिली टाइम और कुछ भी नहीं था सच दिखाने के लिए, बस हम सब मिलके बातें कर रहे थे। तो कल शेखत नहीं आया था, आज वो आने वाला है, सो उसका ही वेट कर रही हूँ मैं। एंड अभी टाइम है 11:30 बजे एंड यहाँ पे है टिया। और हाँ, आज है फ्रेंडशिप डे, सो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आज का दिन भी कुछ खास प्लान नहीं है, बस घर में रहना है फैमिली के साथ। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, बस अभी लंच बन रहा है, सो कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि लंच में क्या बना है, क्या बन रहा है ये सब। ओके, और आपका फ्रेंडशिप डे कैसा जा रहा है? सो मेरा तो ऐसे ही घर में नॉर्मल बाकी दिनों की तरह ऐसे ही काट रहा है। तो यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ। अभी आलू जो है वो फ्राई हो रही है, लंच जो है वो ऑलमोस्ट बन गई है, बस अभी चिकन बन रहा है, तो चिकन मैं ही बना रही हूँ। सो एंड दिस इज आवर, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, दिस इज आवर किचन, तो किचन प्लस डाइनिंग है, ये एक ओपन किचन है आप देख सकते हो। सो ये है ओपन किचन, अभी थोड़ी सी मेसी है, क्लीन नहीं किया गया है, सो बस चिकन बन रही है, इसे क्लीन किया जाएगा।
तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रॉपर किचन। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे मुझे होम टूर करवाने के लिए, देखेंगे एक दो दिन है सो फिर शायद करने वाली हूँ मैं होम टूर, पता नहीं देखते हैं। तो किचन में थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ। और चिकन जो है वो अभी भी बन रहा है, मैं मसाले बना रही हूँ। फाइनली शेखर जी आ गए हैं, वेलकम। हाय, अभी तो मैं देखी ही नहीं, तुम बेचन दिए ले। So now we are having our lunch. So, मैंने आपको कहा था कि मैं इस किचन की थोड़ी सी एक छोटी सी टूर करवाऊंगी आपको। यहाँ से आप एंटर करते हो, एक सेकंड मैं पीछे से दिखाती हूँ। सो यहाँ से आप एंटर करते हो, सो दिस इज आवर किचन। ये एक ओपन किचन है, मॉड्यूलर स्टाइल में, ओके। एंड यहाँ पे है एक सोफा, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, मीन्स जॉइंट फैमिली है, तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एंड माँ तो यहीं पे खाना बनाते हैं। सो यहाँ पे बातें करने के लिए ये सोफा रखा है, तो लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे करते हैं। सो दिस इज द किचन, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे एक चिमनी है, एंड ये जस्ट एक बर्तन रखने की रैक है, सिंक। देन यहाँ पे है वॉश बेसिन, एंड यहाँ पे है डाइनिंग एरिया, और ये है फ्रिज। एंड इस रूम की जो कलर है ना वो है येलो एंड ग्रीन में हमने रखा है। सो यहाँ पे है येलो, यहाँ पे है ग्रीन, एंड ये कलर है थोड़ी सी ग्रीनिश ब्राउन टाइप में। एंड इस साइड में टोटली टाइल्स लगा हुआ है। सो दिस इज, तो खाना सर्व हो गया है, तो अब मैं भी जाती हूँ लंच करने। सो गाइस, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ इस व्लॉग में, जितना भी हो सका मुझसे मैंने शूट किया है। बस घर में ही थे, फैमिली टाइम, एक दूसरे के साथ इतने दिन बाद मिलना तो बातें करना, बस ऐसा ही है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं होम टूर करूँ यहाँ की, सो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, एटलीस्ट 100 लाइक दीजिए इस वीडियो को। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे पैसा वैसा नहीं मिलता है, बस मैं जो मेहनत करती हूँ उसके लिए एक रिवॉर्ड जैसा है मेरे लिए। सो मेरी मेहनत काउंट होती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, उसकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।